Realme एक से Realme कंपनी का अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। अब इसमें फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे नॉचलेस स्क्रीन, पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह। अभी Realme 3 Pro जैसे फ़ोन से भी एक स्टेप आगे है और इसका दाम भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्या Realme ने एकदम किलर फ्लैगशिप फ़ोन बना दिया है अफोर्डेबल प्राइस पे? ये जानने के लिए आप वीडियो देखें। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोज़ पब्लिश करते हैं। Realme X डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है और इसकी लुक्स भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इस फ़ोन को पकड़ेंगे तो आपको एकदम प्रीमियम फील भी मिलेगी। हमारे पास इस फ़ोन का पोलर वाइट वर्जन है और इसका ऑफ वाइट फिनिश इसके क्रोम प्लेटेड साइड्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। ये फ़ोन थोड़ा मोटा है लेकिन ये ज़्यादा भारी लगता नहीं है। इसका वज़न 191 ग्राम्स तो है, पर पकड़ेंगे आप इसको तो ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप Realme X को एक हाथ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है। Realme X में 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 भी मौजूद है। डिस्प्ले के आसपास के बेजल्स तो काफ़ी पतले हैं और उसका चिन थोड़ा सा मोटा है। इस फ़ोन में ना नॉच है ना होल पंच है, जिसका मतलब ये है कि वीडियो देखते समय आपको कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके ब्राइटनेस भी काफ़ी हाई है, तो आप बाहर धूप में भी अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन हमें OnePlus 7 Pro की याद दिलाता है और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी रास्ते में कि अरे यार, आप OnePlus 7 Pro लेकर तो नहीं खड़े हैं। Realme X में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आपके फ़ोन को अनलॉक करने में आपको मदद करेगा और ये काफ़ी फास्ट भी है। हमने जितना इसको टेस्ट किया उसमें सक्सेस रेट तो काफ़ी अच्छा था। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जब अनलॉक करता है फ़ोन को तो एक एनिमेशन आता है उसके साथ में। इसमें आपको 5 चॉइसेस मिलेंगे, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से। इस फ़ोन में फेस अनलॉक भी है और वो लो लाइट में भी बढ़िया चलता है। अगर फ़ोन आपके हाथ से छूट जाता है तो इसका एक सेफ्टी मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण उसका सेल्फी कैमरा अब अगर बाहर है तो अपने आप ही अंदर चला जाएगा। Realme X का बैक पैनल काफ़ी शाइनी है और वो ग्लास की तरह दिखता तो है, लेकिन एक्चुअली वो पॉलीकार्बोनेट का बना है। इसमें कोई स्कफ मार्क्स तो आसानी से आते नहीं हैं और इसके स्मजेस भी आसानी से वाइट कलर पर तो नहीं दिखते हैं। Realme ने फाइनली USB Type-C पोर्ट अपना लिया है इस फ़ोन में। इसके पहले जितने भी Realme फ़ोन्स थे सब में माइक्रो USB पोर्ट था, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके एक साइड पर एक सिम ट्रे है जिसमें सिर्फ 2 नैनो सिम कार्ड का ही सपोर्ट है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं है, बट ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि इस फ़ोन में 128GB इंटरनल स्टोरेज है। Realme X में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 चिप है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है और वो स्नैपड्रैगन 675 से ज़्यादा एफिशिएंट भी है। भारत में Realme X के 2 वेरिएंट उपलब्ध हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज। हमारे पास 8GB रैम वाला वेरिएंट मौजूद है। Realme X का सॉफ्टवेयर काफ़ी अप टू डेट है। इसमें ColorOS 6 उपलब्ध है जो Android 9 Pie पर आधारित है। इस स्मार्टफोन में Android का जून सिक्योरिटी पैच आता है। Realme X में एक OLED डिस्प्ले है। इस टेक्नोलॉजी के होने के कारण आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको क्लॉक और टाइम, डेट, बैटरी परसेंटेज, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी स्क्रीन पर, लेकिन नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगे। इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे प्रीलोडेड ऐप्स हैं, Realme के कुछ हैं और थर्ड पार्टी वेंडर्स के भी कुछ और हैं। न्यूज़ पॉइंट जैसे कुछ ऐप्स हैं जो काफ़ी सारे स्पैमी नोटिफिकेशंस भेजते हैं, लेकिन उस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। Realme का ऐप मार्केट भी बहुत सारे बकवास नोटिफिकेशंस भेजता है, लेकिन आप ऐप के अंदर जाके सारे अलर्ट्स डिसेबल कर सकते हैं। इसमें एक थीम स्टोर ऐप भी है जो आपको फ़ोन के वॉलपेपर, आइकन्स इत्यादि को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देता है, और कुछ और ऐप्स भी हैं जैसे कि ड्राइविंग मोड और राइडिंग मोड, जो कुछ लोगों के लिए काम आएंगे जब वो ड्राइविंग या बाइक राइडिंग कर रहे हैं। Realme X ये काफ़ी बड़ा फ़ोन है, वैसे ये ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, तो अगर आप इसको फ़ोन को पकड़ना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन एक हाथ से फ़ोन को इस्तेमाल करते समय अगर आप डिस्प्ले के ऊपरी हिस्से को छूना चाहते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। Realme X में आप वन हैंडेड मोड भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन को एक ही हाथ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस हैं जो आपको पसंद आएंगे। वैसे तो ये फ़ोन स्लिपरी नहीं है, लेकिन इसके बॉक्स में एक केस आती है अगर आपको ज़्यादा ग्रिप चाहिए तो। वैसे रेगुलर यूज़ में Realme X ज़्यादा गर्म नहीं होता है और गेमिंग के वक्त भी इसमें ज़्यादा कोई हीटिंग के इशू हमने देखी नहीं। इस स्मार्टफोन पर PUBG मोबाइल हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर चलता है और गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ था और कोई भी स्टटर हमने देखा नहीं उसमें। Asphalt 9 Legend भी बहुत ही बढ़िया चला, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई।
Realme X मीडिया प्लेबैक के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें Dolby Atmos सपोर्ट है। इस फोन के स्पीकर पर Dolby Atmos बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है और इसे आप बंद नहीं कर सकते। Dolby Atmos में बहुत सारे मोड्स हैं जैसे कि मूवी, गेमिंग और म्यूजिक, या आप इसमें स्मार्ट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बार बार सिलेक्ट करना नहीं है। ये स्मार्ट मोड में Dolby Atmos अपने आप ही स्पीकर मोड एडजस्ट कर देता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंटेंट चल रहा है। वैसे तो इस फोन में सिंगल ऑडियो चैनल ही है लेकिन इसका साउंड एक तरफा नहीं लगता है। इसका वॉल्यूम भी काफ़ी लाउड है और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। Realme X का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फोन को अनलॉक करने में काफ़ी तेज़ है और इसका फेस अनलॉक भी उतना ही तेज़ है। फेस अनलॉक शुरू करने के दो तरीके हैं, या तो आप पावर बटन दबा सकते हैं उससे स्क्रीन जाग जाएगी और पॉपअप कैमरा अपने आप ही बाहर आ जाएगा, या तो आप लॉक स्क्रीन पर स्वाइप अप भी कर सकते हैं तो उसके द्वारा आप फेस अनलॉक शुरू कर सकते हैं। अंधेरे में अगर आप फेस अनलॉक यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीन, Realme X की स्क्रीन ब्राइटली फ्लैश करती है एक सेकेंड के लिए और उसके द्वारा आपको ऑथेंटिकेट कर देती है। Realme X सोनी का IMX586 सेंसर यूज़ करता है। उसमें एक 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है प्राइमरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी है। मेन सेंसर का अपर्चर है F1.7 और उसमें फास्ट ऑटो फोकस भी है और एक 4-in-1 पिक्सल विनिंग मेथड भी यूज़ किया जाता है जो 12 मेगापिक्सल का फोटो सेव करता है। हमने लैंडस्केप फोटोज़ लिए अच्छी लाइट में, उसमें हमने देखा कि मेन कैमरा काफ़ी अच्छे कलर्स और डिटेल कैप्चर कर लेता है। दूर के ऑब्जेक्ट्स में अच्छी डेफिनेशन थी और ओवरऑल इमेज की शार्पनेस भी बहुत अच्छी लगी हमें। इन फोटोज़ के एक्सट्रीम कोने में देखें तो आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ दिखेगा लेकिन वो ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है। इस फोन का HDR मोड काफ़ी अच्छा चल जाता है। Realme X क्लोजअप शॉट्स काफ़ी अच्छे से ले लेता है। इसका कलर टोन थोड़ा वार्म है लेकिन कलर्स और डिटेल्स काफ़ी अच्छे से रिप्रोड्यूस कर लेता है। ये रूम के अंदर लिए गए क्लोजअप शॉट्स में भी अच्छी डिटेल थी और नॉइज़ भी काफ़ी कम था। इस फोन का डेप्थ सेंसर एज डिटेक्शन अच्छे से कर लेता है, ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो लें या लोगों की फ़ोटो लें तो पोर्ट्रेट मोड इसका काफ़ी अच्छा चलता है। आप बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट नहीं कर सकते लेकिन वो काफ़ी नेचुरल दिखता है। इस स्मार्टफोन का लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। फोटोज़ की शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा नॉइज़ भी उसमें दिख जाता है थोड़े डार्क एरियाज में, बट ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ फोटोज़ में हमें बहुत ही क्लीन लैंडस्केप शॉट्स मिला और नॉइज़ बहुत ही कम दिखाई दिया। इस फोन में एक नाइटस्केप मोड भी है जो लोलाइट परफॉर्मेंस को बेहतर कर देता है। नाइटस्केप मोड में बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ़ोटो कैप्चर करने के लिए उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है लेकिन इसका एंड रिजल्ट बेहतर है। इस फोन में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी है जो 4-in-1 पिक्सल विनिंग टेक्निक यूज़ करता है जब बोके मोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब। सेल्फीज़ जनरली काफ़ी अच्छे आते हैं इसके, उसमें कलर्स अच्छे थे, डिटेल भी अच्छा था और हमें ये भी बात पसंद आई कि इसका AI ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, आपकी स्किन को ज़्यादा चमकाता नहीं है। लो लाइट में लिए गए सेल्फीज़ की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी थी और कलर्स भी हमें पसंद आए। आप सेल्फीज़ में बोके इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है ये लेकिन एज डिटेक्शन तो अच्छा है इसका। Realme X 4K वीडियोस तो शूट कर सकता है लेकिन 4K में वीडियो स्टेबिलाइजेशन नहीं है। अगर आप एक जगह स्थिर खड़े होकर वीडियो शूट कर सकते हैं इसमें तो Realme X की 4K वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लो लाइट के वीडियोस में भी ज़्यादा नॉइज़ तो था नहीं और कलर्स और डिटेल भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। 1080p में वीडियो स्टेबिलाइजेशन तो है और डिस्टॉर्शन भी काफ़ी कम है लो लाइट में शूट करते समय भी। इस स्मार्टफोन में कुछ स्लो मोशन वीडियो मोड्स भी हैं जैसे कि एक 960fps वाला मोड। 960fps में ये फ़ोन शॉर्ट क्लिप सेव कर देता है लेकिन फुटेज स्लोड डाउन वाली थोड़ी चॉपी लगी हमें। Realme X की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी लगी। हमने बहुत ज़्यादा इसके कैमरे को यूज़ किया फिर भी आराम से ये फ़ोन पूरा दिन चल गया। इस फोन की बैटरी कैपेसिटी है 3765 mAh और हमारे वीडियो लूप टेस्ट में इसने 14 घंटे और 28 मिनट तक हमारा साथ निभाया। रेगुलर यूज़ में भी ये फ़ोन आराम से एक दिन से आगे चल गया। अगर आप यूसेज की बात करें तो इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, कैमरा, गेमिंग, सोशल ऐप्स, ये सारी चीज़ें हमने की फिर भी ये फ़ोन एक दिन से ज़्यादा चल गया। ये फ़ोन वूक 3.0 फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जिसके द्वारा हमने इस फ़ोन को 0 से 93% तक चार्ज कर लिया सिर्फ एक घंटे में। Realme ने पहली बार एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप फ़ोन बनाने की कोशिश की है और Realme X ओवरऑल हमें काफ़ी सॉलिड फ़ोन लग रहा है। इसमें कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ तो है नहीं, बस कुछ लोग कहेंगे कि शायद इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज होना चाहिए था लेकिन इसमें इंटरनल स्टोरेज 128GB दिया गया है तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डिस्प्ले भी बढ़िया है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है और कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं। Realme ने इस बार USB Type-C पोर्ट भी ऐड कर दिया है जो हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि यार Realme कब ऐड करेगी इसे। Realme X की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी और इसमें 4K में वीडियो स्टेबिलाइजेशन नहीं है, ये भी इसकी एक कमी है।
लेकिन अगर आपको फ़ोन के साइज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं और इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और प्राइसिंग भी बहुत ही अच्छी है इसकी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और gadgets.ndtv.com/hindi पर आप ज़रूर जाएँ टेक्नोलॉजी की और जानकारी के लिए।